नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ अशोक यादव, गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, पिछले दो पीरियड से हम कक्षा 9 में एक जीवनी पढ़ रहे हैं। आज उनका तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आपका कथांश है। प्रसिद्ध इलाहाबाद के कवि एवं लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लिखित इस जीवनी में बच्चन जी ने अपनी पत्नी श्यामा, जो अपनी प्रथम पत्नी थी, उसका उनके प्रति जो संवेदना है, उनके प्रति जो अनुभूतियां है, लेखक के प्रति उनका जो पति भाव है, पति धर्म है, कैसे वो लेखक की गंभीर बीमारी में उनकी सेवा करते करते वो भी खुद संक्रमित हो गई, लेखक बीमारी में स्वस्थ हो गए और उनकी पत्नी श्यामा बीमारी के लपेट में आ गई और तब तक वो स्वस्थ नहीं हुई जब तक उनकी मृत्यु ना हो गई। लेखक अपनी पत्नी ने उनके साथ जो भी उनकी सेवा चाकरी की, उन्होंने जो पतिव्रता धर्म निभाया, लेखक की सारी चिंताओं को दूर करके उन्होंने सभी जवाबदेही अपने सर पर ले ली और अंत में वो लेखक की सेवा करते करते स्वधाम पहुंच गई। इनका एक करुण सबर निरूपण श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने इस जीवनी में किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा का एक भाग है। इस भाग से ये अंश लिया गया है। आगे हमने पढ़ा था कि हरिवंश राय बच्चन ऐसे मजबूत मनोबल वाले व्यक्ति थे कि वो हमेशा सख्त परिश्रम करते थे, वो कभी भी बीमारी से भागते नहीं थे, बीमारी से डरते नहीं थे। छोटी मोटी बीमारी में तो वो ज्यादा काम करते थे, बीमारी में उन्हें काम करने का उत्साह ज्यादा होता था। फिर अचानक एक बार उन्हें ऐसी गंभीर बीमारी आई, ऐसा गंभीर बुखार आया कि उनका जो शेड्यूल था वो टूट गया और जो उनकी आमदनी थी वो भी आमदनी अनियमित हो गई। वो ट्यूशन में क्लासेस में जाते थे, साथ ही स्कूल में पढ़ाते थे और अपना साहित्य सम्मेलन जो करते थे, जो किताबें लिखते थे, उनकी बिक्री से उनका परिवार का निर्वाह होता था। लेकिन इतनी गंभीर बीमारी के कारण वो नहीं स्कूल जा पाते थे, नहीं क्लासेस में नहीं भी जा पाते थे और जो उनकी बिक्री थी जो किताबों की वो भी अनियमित हो गई थी। इसकी वजह से लेखक के सर पर काफी कर्ज बढ़ गया था। उन्हें बीमारी के साथ साथ अपने सर पर बड़े कर्ज की भी चिंता होती थी। उनकी पत्नी श्यामा उनको कहती थी कि आप बेफिक्र रहिए, आप शांति से अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आप कर्ज की चिंता मत कीजिए, मैं सारा कर्ज आपके लिए होते हुए भी उतार दूंगी। इतना आश्वासन और सांत्वना लेखक को देती रहती थी। लेखक को ये बीमारी इतनी हो गई कि उन्हें अंग्रेजी सारवा यानी कि एलोपैथी जो सारवा लेते हैं, इस सारवार को लेने के लिए उनको खर्च पड़े। पर क्या था कि लेखक के बूते के बाहर था, मतलब कि लेखक की इतनी आर्थिक पोजीशन नहीं थी कि वो सारवार करा सके, अंग्रेजी दवा से अपनी बीमारी ठीक कर सके। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे हम आज पढ़ रहे हैं। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं। जब भी लेखक बीमार पड़ते, उन्हें कोई बीमारी ताप बुखार आता, तब वो कहते कि मुझे जो बुखार है वो श्यामा का बुखार है, श्यामा की सारी बीमारी मैं अपने पर ले लेता हूं। तो क्या उस वक्त सरस्वती में क्या मैं सच बोल रहा था कि श्यामा की सारी बीमारी मैं ले रहा था? कभी कभी सोचता बैठी हो तो कितना अच्छा है, शायद सरस्वती मेरे जीवा पर बैठी, यानी कि मैं सच बोल सकता बीमारी के बारे में, तो वो बहुत अच्छी बात थी।
क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है, क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है, मतलब कि श्यामा स्वस्थ क्यों है, क्योंकि श्यामा की सारी बीमारी मैंने ले ली, क्या ये सही है कि श्यामा की सारी बीमारी मैंने ली इसलिए श्यामा स्वस्थ है। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी, 6 वर्षों से इन महीनों 6 सालों में, इन 6 सालों में जो ये कुछ महीने हैं जो लेखक को बीमार हुए हैं तो उन्हें ज्वर मुक्ति नहीं पाए। ज्वर मुक्ति मतलब ज्वर मतलब बुखार, तो बुखार से वो आजाद नहीं, उन्हें भी बुखार लग गया। कहने का मतलब है कि 6 महीनों में 6 वर्षों से उन्हें बुखार नहीं आया, पर इन महीनों में उसे बुखार आ गया। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, श्यामा को लेखक की बीमारी थी वो भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, मतलब वो बहुत चिंतित थी, वो हृदय से बहुत दुखी थी, लेखक की बीमारी वो देख नहीं सकती, तो बहुत चिंतित रहती थी लेखक के स्वास्थ्य के प्रति। उसने अपने इच्छा बल से तो जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कभी कहीं मेरी चिंता न करे। श्यामा ने अपनी इच्छा बल को अपनी इच्छा शक्ति से अपने पर कंट्रोल कर लिया था कि उन्हें राज साहेब की बीमारी आ जाए तो लेखक को जताती नहीं थी। क्यों नहीं जताती? कि लेखक एक तरफ से लेखक बीमार है, अगर उन्हें पता चले कि श्यामा को भी बीमारी लग गई है तो उनकी चिंता लेखक को बढ़ जाएगी, इसलिए लेखक की चिंता लेखक को चिंता न हो पाए इसलिए श्यामा अपनी इच्छा शक्ति से वो लेखक को जताती नहीं थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर भीतर खा जा रही थी, उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। भीतर खाए जा रहे थे, उसे अपनी इच्छा शक्ति से अपने को स्वस्थ कर लिया था, मेरी बीमारी का शायद इसको पता भी न था। श्यामा के सिवा दूसरे कोई नहीं जानता था कि लेखक को क्या बीमारी, एक श्यामा ही जानती थी लेखक की बीमारी का राज, क्योंकि सारे काम को मैं सामान्य रूप से किए ही जा रहा था। गर्मी में तो बीमारी का शायद किसी को पता भी नहीं था। लेखक कहते हैं कि यह बीमारी में मैं सामान्य रूप से जैसे पहले करता था वैसे अपना सारा काम में किए जा रहा था, किसी को पता नहीं चलने देता कि मैं बीमार हूं। लेकिन उनकी पत्नी श्यामा को तो सब कुछ पता था कि लेखक कितने गंभीर बीमारी से जूझ रहे, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जा रहा हूं। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, गर्मी के मौसम में शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, तो किसी को पता नहीं चलता कि गर्मी के मौसम में कि ये इतने दुबले पतले क्यों हुए। अगर कोई बोले तो कह देता कि क्यों भाई गर्मी की वजह से मैं ऐसा हो गया हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। श्यामा ने अपने पति बच्चन जी को एक दिन कहा कि आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो क्यों ना आप डॉक्टर बीके मुखर्जी, एक डॉक्टर है सर्जन है, उनके पास अपना चेकअप करा। श्यामा ने अपने पति बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी के पास अपना इलाज करवाने की सलाह दी थी। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेखक ने टाल मटोल की, टाल मटोल का मतलब कि हाँ जाएंगे आज जाएंगे कल जाएंगे नहीं जाना है, ऐसा उत्तर दे दिया। लेखक की इच्छा नहीं थी इलाज करवाने की, इसलिए अपनी पत्नी श्यामा को टाल मटोल कर दे दिया।
लेकिन उनकी पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मतलब ऐसा कह दिया कि लेखक को जाना। ब्रह्मास्त्र का मतलब है जब कोई बात को नहीं मान, जब कोई उपाय नहीं हो तो ब्रह्मास्त्र, मतलब वो आखिरी सवाल है, वो आखिरी सलाह कि सबको मानना पड़ता। ऐसा कोई कह दे तो हमें मानना ही पड़े तो उसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ा? मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगा। ब्रह्मास्त्र तो मानने, अब क्या करें लेकर? श्यामा ने कहा, जब तक आप अपना इलाज डॉक्टर मुखर्जी के पास नहीं कराओगे, उनके पास जाकर अपने शरीर का चेकअप नहीं कराओगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब लेखक क्या करे? क्या वो अपनी पतिव्रता पत्नी को भूखे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो उन्हें ब्रह्मास्त्र मानना पड़ा, मतलब कि डॉक्टर मुखर्जी के पास जाना पड़ा। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा तब तक वो खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र को मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर सही का आक्रमण हुआ। डॉक्टर मुखर्जी को लगा कि शायद बच्चन जी को सही की बीमारी हो गई, जो आज पुणे में टीवी के विद्यार्थी मित्रों एक ऐसा समय था कि सही की बीमारी बहुत सीरियस बीमारी मानी जाती थी, लोग उनसे दूर भागते थे। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, उनका उस टाइम कोई इलाज नहीं था और शायद ही कोई दर्दी बच सकता था। जिन्हें सही होता वो 99% उनकी मृत्यु हो जाती थी क्योंकि उनके कोई दवा नहीं। लेकिन आज के समय सही एक सामान्य बीमारी है। अगर किसी को सही होता है तो लॉर्ड्स नाम की जो दवा घर बैठे लेकर आदमी स्वस्थ हो जाता है, दर्द स्वस्थ हो जाता है। लेकिन उस टाइम लेखक के टाइम ये बीमारी बहुत गंभीर थी। तो लेखक ने लेखक को बताया, मुखर्जी को डॉक्टर मुखर्जी को पता भय लगने लगा कि शायद उनको सही की बीमारी हो गई। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा उपाय, लेखक को डॉक्टर मुखर्जी ने कुछ दवाएं, कुछ आयुर्वेदिक उपचार लिख दिए और कहा कि आपको आराम करने की जरूरत है, आप काम नहीं करोगे। क्योंकि आदमी को स्वस्थ तभी आदमी स्वस्थ रह सकता है कि बीमारी में वो आराम करे। अब चिंता मुक्त रहने को कहा कि आपको किसी की चिंता नहीं करनी। लेकिन लेखक को तो बहुत सारी चिंता थी, अपने सर पर बढ़ गए कर्ज की चिंता थी, अपने परिवार का जो विराज चलाना था, निर्वाह करना था, उनकी चिंता थी, अपनी पत्नी की चिंता थी। तो वो तो चिंता मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो लेखक को डॉक्टर मुखर्जी ने जो सलाह दी, जो नुस्खा अजमाया, जो नुस्खा लिख दिया, वो लेखक के लिए बहुत कठिन था। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। जो नुस्खा लिख दिया, जो उपाय लिख दिया, वो तो मान लो कि मौत का परवाना लगा, क्योंकि मौत लिख दिया। क्योंकि क्या करेंगे, आराम नहीं कर सकते, चिंता मुक्त नहीं रह सकते, इलाज नहीं करवा सकते, महंगा इलाज, तो उन्हें तो मौत से भी बदतर लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? लेखक को लगा अब मैं कैसे जीऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं चिंता करते करते मर जाऊंगा, तो क्या अब मेरी विदा का समय आ गया? क्योंकि क्या मेरी मृत्यु नजदीक आ गई? लेखक को ऐसा लगा, क्या इसने इतने दिनों के लिए आया, क्या अब मेरे जाने का टाइम हो गया, क्या इतने दिनों के लिए मेरा जीवन था? स्वागत, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। लेखक के दिमाग में तरह तरह के प्रश्न हो रहे, सवाल हो रहे कि क्या मैं इतना गाने और गुनगुनाने के लिए, इतना संघर्ष करने के लिए आया था, इतना दुख संकट उठाने के लिए आया था, क्या मेरी विदा का टाइम हो गया, क्या मैं नहीं जी पाऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा, ये सब
सवाल लेखक के मन में उठने लगे। स्वागत के साथ विदा की होती देखी तैयारी, लेखक को लगा कि क्या अभी तो मेरा स्वागत ही होने वाला है, तो क्या अब मैं विदा हो जाऊंगा, मेरी विदा की तैयारी हो जाऊंगी, मतलब कि अभी तो मैंने जन्म लिया ही है, कुछ टाइम ही लिया हो, तो क्या अब मैं मृत्यु, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा लेखक सोचने लगते हैं। बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, लेखक ने अपनी ही कार्य पंक्ति रो रहे हैं कि जो मधुशाला है वो खुलते ही बंद होने लगी, ऐसा लेखक को लगता है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी, तो क्या मेरी मृत्यु की भविष्यवाणी मैंने पूरी कर दी, डॉक्टर मुखर्जी के पास जाकर मैंने अपनी भविष्यवाणी कर दी कि अब मैं जीने वाला नहीं हूं, अब मेरी मृत्यु नजदीक है, मुझे शरीर जैसी गंभीर बीमारी लग गई है, अब मेरे जीने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ऐसा सब कुछ सोचने लगते हैं। सबसे मनमेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में विधेय भी लिखा है, सबसे मन रहस्यमय प्रश्न क्या, क्या श्यामा के नसीब में वैधव्य, मतलब क्या आपको विधवा हो जाएगी, तो पति के बिना स्त्री का जीवन कैसा होता है वो सबको पता है, तो पति के बिना श्यामा का क्या होगा, ये सब चिंता है, ये सब सवाल लेखक के दिमाग में उठ रहे, उनके मन में उठ रहे। मरने से मुझे डर नहीं था, बच्चन जी कहते हैं कि मरने से मुझे कोई डर नहीं, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, मरना मुझे कठिन भी नहीं लगता, कठिन लगा मरने से पहले जीना, क्या मुश्किल है लेखक के लिए, तो यह मुश्किल है कि मरने से पहले जो जीना है लेखक को वो उन्हें मुश्किल लगता है, क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे, आमदनी नहीं आएगी, घर का निर्वाह कैसा होगा, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने माता पिता, उन सबको क्या खिलाएगा, सर पर जो कर्ज बढ़ गया है उसे कौन, उनकी अदायगी कौन करेगा, ये सब लेखक को मरने से भी बदतर लगता है, इसीलिए लेखक कहते हैं कि मुझे मरने का डर नहीं है, पर मरने से पहले भी जीना है ये मेरे लिए बहुत कठिन है। पूरे आराम के आप होंगे, ट्यूशन छोड़ दू, स्कूल से छुट्टी ले लू, ज्यादा लू तो बगैर तनख्वाह के लेने के तैयार हूं, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, लेखक कहते हैं कि मुझे डॉक्टर मुखर्जी ने आराम करने को कहा, तो सारा दिन मैं आराम करूंगा तो ट्यूशन छोड़ देना पड़ेगा, जो ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी फीस आती है, उनकी आय के रूप में वो बंद हो जाएगी, स्कूल से छुट्टी, स्कूल से सारे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, अगर छुट्टी ले लेंगे तो तनख्वाह यानी कि जो पगार वेतन लेखक को मिले वो नहीं मिलेगी, कहने का मतलब घर का सारा खर्चा कैसे उठाएंगे, ट्यूशन फीस नहीं आएगी, स्कूल की पढ़ाई का पगार नहीं आएगा, जो नियमित बिक्री थी उनके जो किताबों की वो भी अनियमित हो गई, शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर नहीं चला सकती, कब उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर बिजली को स्थिति में न होंगे, शालिग्राम अपना छोटा भाई उनकी तनख्वाह से सारे घर का खर्चा नहीं चला सकता, अगर उनकी बदली हो गई और वो कहीं और शिफ्ट हो गए तो वहां उनके रहने का खर्च, जो मकान भाड़ा देना पड़ता है, उनका अपना खर्च, तो वो घर अपने यहाँ अपने घर पे पैसे वैसे नहीं भिजवा सकते, तो घर का खर्चा कैसे निकलेगा, महंगी महंगी दवाई कहां से आएगी, एलोपैथी इलाज अंग्रेजी पद्धति से सारवार डॉक्टर मुखर्जी के पास करवाए तो उनके लिए जो दवाई लानी पड़ती महंगी महंगी वो कहां से आएगी, पैसा ही नहीं आएंगे तो दवाई कैसे खरीदेगी, किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, किताब तो कभी लिखते नहीं लिखते, बिकती नहीं बिकती, तो उनकी आमदनी नियमित नहीं है, वो अनियमित अनिश्चित है, कब आए उसका कोई ठिकाना नहीं,
कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, जो कर्ज चुकाना है वो भी कम नहीं है, बहुत सारा कर्ज लेकर के सर पर बढ़ गया है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काट उठी, वो घबरा गई। कोई भी पत्नी अपनी पति की बीमारी सुन के खुश नहीं होगी, वो काट उठेगी, उन्हें बहुत दुख होगा। पर तुरंत संभल में गई, दंड भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पहले तो श्यामा ने लेखक की बीमारी जानकर वो कांप गए, फिर अपने आप को स्वस्थ भी कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया, और दंड यानी कि मजबूत मनोबल के साथ वो लेखक के सामने उपस्थित हो गए। उन्हें लगा कि अगर मैं टूट जाऊंगी, मेरे पति की बीमारी से अगर मैं टूट जाऊंगी, अगर मैं दुखी हो जाऊंगी, अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगी, तो मेरे पति ये सब सहन नहीं कर पाएंगे, और जो बीमारी है उसमें बीमारी में बढ़ावा होगा और बीमार हो जाएगी। तो अपने पति को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने दर्द मनोबल का नाटक किया, और लेखक के सामने ऐसे पेश हुए मानो कि उनके लेखक की बीमारी का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मर जाना एक मुहावरा है, वो तो एकदम शक्तिहीन हो गए, कुछ करने के काबिल नहीं, लकवासा मर गया। लेखक के माता पिता को जब पता चला कि लेखक को क्षय की बीमारी है, ऐसा डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, वो एकदम शक्तिहीन हो गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, लेकिन उनके पिताजी धैर्यवान थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। लेखक के पिता ने कहा, लेखक को आश्वासन दिया, हिम्मत बढ़ाई कि तुम घबराना मत, हमारा घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज कराएंगे और तुम्हें स्वस्थ करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक निशास लेकर रही, शालिग्राम की निशास गुजराती में अपने निशास हो गई, एक श्वास लिया हुआ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बड़े भाई को इतनी बीमारी, गंभीर बीमारी है, मैं उनके इलाज के लिए मैं असमर्थ हूं। वो क्या करता, उनके दिल में भी चोट लगी हुई है अपने भाई की बीमारी, लेकिन उनका इलाज इतना महंगा है कि उन्होंने असमर्थता का निश्वास न। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली, लेखक ने कुछ समय के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली और ट्यूशन से भी छुट्टी ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, जो किताबें लिखते थे और उन्हें बेची थी उनके कुछ पैसे लेकर के पास पड़े थे, उनसे दवाएं मंगाई और चार पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई, जो पैसे पड़े थे उनसे कुछ दवाएं मंगवाई और चार पाई गुजराती में जिन्हें खाटल हो गई वो चार पाई पर लेट गए और श्यामा की सेवा साकार हो गई। मतलब श्यामा ने जो लेखक की सेवा चाहती थी सारवा की सेवा की वो सफल हो गए, मतलब लेखक थोड़े थोड़े स्वस्थ हो गए श्यामा की सारवा की वजह से, सेवा की वजह से। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था, जब बहुत कुछ करने को कहता था चिंता के लिए समय कहां था, अब तो चिंता ही चिंता करने की थी। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर ने चिंता के बिना निश्चिंत होकर आराम करने की सलाह दी थी। जब बहुत कुछ करने को करना है तो बहुत कुछ करना है, करना तो बहुत कुछ था, बहुत काम है, चिंता के लिए समय था। अगर मैं काम करता तो मेरे पास बहुत काम था, चिंता करने का मेरे पास समय ही नहीं था, अब तो चिंता ही चिंता करने की, अब तो
चिंता चिंता की चिंता हो गई, ये सब काम नहीं कर सकता, घर का इलाज, दवा का इलाज, दवा महंगी लाने का, ये सब चिंता ही चिंता पूरी कर रही थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर बड़े कर्ज की, सबसे ज्यादा चिंता कौन थी, जो कर्ज उनके सिर पर बढ़ गए थे उनकी चिंता लेखक को सबसे ज्यादा है। मेरा इलाज हो या न हो पर कर्ज की किस्त तो जानी ही चाहिए। किस्त का मतलब हफ्ता, जो आपने हफ्तों भरे हुए हर महीने कोई आपके पास से पैसा लौट लिदी हुई मैंने आपने जो हफ्तों भरता हुए थे, तो लेखक कहते हैं कि मेरा इलाज हो या ना हो उसकी चिंता नहीं थी, पर जो कर्ज बढ़ गया बढ़ गया उनका जो हर महीने किस्तें उनकी जो आ रही थी वो किस्तें जानी चाहिए, मतलब वो अदायगी होती रहनी चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साथ थी, अगर अदायगी का मतलब चुकवणी, विद्यार्थी का चुकवणी, साथ मतलब इज्जत। लेकर कहते हैं कि अगर मैं भी किस्ते की अदायगी में करता रहूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ी रहेगी, मेरी क्रेडिट रहेगी और मुझे उधार मिलता रहेगा। अगर मैं किस्ते नहीं कर पाऊंगा, नियमित अदायगी नहीं कर पाऊंगा तो मेरी साख जोखिम में पड़ जाएगी। उसका जीना मेरे, उनका जाना मेरे मरने से पहले मेरी मौत, अगर साथ ही नहीं रहेगी तो मरने से पहले मौत आ जाएगी। हर व्यक्ति को मौत से बढ़कर अपनी साख अपनी इज्जत प्यारी होती है, इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर किस्ते नहीं मैं भर पाऊंगा, कर्ज की अदायगी नहीं कर पाऊंगा तो मेरी साख चली जाएगी और साख चली जाएगी तो जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, पारदर्शी यहां स्वच्छ आर पार देख सकते हैं ऐसे, तो श्यामा के लिए पारदर्शी दर्पण था, मतलब कि लेखक की हर बात को श्यामा को पता था, लेखक श्यामा से कुछ नहीं छुपा रही थी। उसने पूछा किसी बात से चिंतित हो, श्यामा ने कहा, श्यामा को पता चल गया कि लेखक कुछ चिंता में, पारदर्शी दर्पण था पता चल गया, तो पूछा कि कौन सी बात से चिंता है, चिंता ही खाली रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी, अगर आपको चिंता ही रहेगी आप सतत चिंतित रहोगे तो दवा असर नहीं कर पाएगी, आप चिंता छोड़िए और दवा खाइए, अगर चिंता ही खाती रहेगी तो दवा अपना असर नहीं कर पाएगी। मैंने कहा ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों, तो ट्रैक सोसाइटी से उन्होंने पैसे लिए हैं, तो 400 रुपये का कर्ज उनका है, अपने मित्रों का कुछ कर्ज लिया है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा, लेखक ने अपनी जो चिंता थी पैसे चुकाने की अपनी पत्नी के सामने बात रखी कि ट्रैक सोसाइटी के सोसाइटी से कुछ पैसे लिए हैं, अपने मित्रों के मित्रों से कुछ पैसे लिए हैं, तो श्यामा ने क्या उत्तर दिया, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि लेखक आश्चर्य में पड़ गया, सहसा उठकर उसे घूर कर देखे, लेखक अपनी पत्नी के सामने घूरकर देखने लगा, आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। श्यामा को एक बार फिर से पहचान की जरूरत, लेखक को लगा कि मैं श्यामा को पहचान नहीं पाया, क्या वही श्यामा है, तो लेखक ने जो पैसे कर्ज की बात की उनकी पत्नी के सामने, तो उनकी पत्नी ने ऐसा उत्तर दिया कि लेखक आश्चर्यचकित होकर चौंक गए और अचानक उठकर अपने पत्नी को आश्चर्यचकित आश्चर्य में पढ़कर उन्हें देखने लगे और लगा कि मेरी पत्नी श्यामा ही है, क्या मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने कहा था, क्या कहा था श्यामा ने, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार लूंगा, तुम इसकी चिंता करो। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम कर्ज की चिंता क्यों करते हो, तुम मर जाओगे बाद में चुका दूंगा, तुम कर्ज की चिंता मत करो। तो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कर्ज चुकाने की, लेखक को पता था, उनकी पत्नी को श्यामा को भी पता था कि लेखक तो होते हुए भी वो कर्ज नहीं चुका पाती है, तो उनके जाने के बाद वो कैसे चुकाए, फिर भी अपने पति को हिम्मत, अपने पति को
पति की हिम्मत बढ़ाने के लिए वो कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं कर्ज चुका दूंगी, तुम उनकी चिंता मत करो। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र की वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा, वज्र यानी कि लोहा मतलब लोहा। तो कोई भी व्यक्ति अपनी छाती पर लोहा रखकर कोई बात करता हो यानी कि बहुत कठिन बात के लिए, श्यामा ने कहा था वो अपनी छाती पे वज्र रखकर बात की, मतलब उन्हें पता था कि नहीं हो सकता, फिर भी अपने पति को आश्वासन देने के लिए वो कहती है। तो श्यामा ने अपनी छाती पर वज्र रखकर ये बात तय हुई कि हाँ मैं तुम्हारे मरने के बाद ही कर चुका दूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकते। तो बहुत लेखक की परवाह करती थी, लेखक को चिंता न हो इसलिए वो नए नए उपाय सोचती रहती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा, लेखक को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगा मैंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया तो वो गलत था। नहीं, अगर मेरी पत्नी जो है जो नहीं कर पा रही है, कर्ज नहीं चुका सकती है, उनके बस की बात में फिर भी वह हिम्मत नहीं आ रही है, तो मुझे क्यों हिम्मत हारना है, तो ये सब गलत है, मुझे जीना है। तो लेखक के अंदर अपनी पत्नी ने, लेखक के अंदर उनकी पत्नी ने एक शक्ति पैदा की, मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक ने लेखक को लगा कि मैं अपने लिए नहीं तो अपनी पत्नी के लिए मुझे जीना पड़ेगा, जीने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, जो जीने के लिए उपाय होते हैं सभी उपाय मेरे को करने पड़ेंगे। तो लेखक के अंदर एक आत्मबल, एक आत्मशक्ति, अंदर से ऊर्जा प्राप्त हुई उनकी पत्नी के माध्यम से। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य नहीं रहा, श्यामा के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया और कुछ करने के लिए योग्य भी नहीं रहा। अपनी पत्नी को वो कुछ नहीं दे पाए, जो अपनी पत्नी को चाहिए वो कुछ नहीं दे पाए, क्या क्योंकि कहने का मतलब कि उनके उनकी परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी, उनकी दशा ही कुछ ऐसी थी कि वो अपनी पत्नी को, जो अन्य लोग अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए जो कुछ करते थे वो नहीं कर पाते थे। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैंने श्यामा के लिए कुछ नहीं किया और कुछ करने के योग्य भी नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा घर उतारने की चिंता करे तो मुझसे झगड़ने का अपराध कौन होगा। अगर मैं इसे कि मेरे कर्ज की चिंता में उन पर छोड़कर मैं मर जाऊंगा तो ऐसा द्रोणास्पद झगड़ने मतलब द्रोणास्पद तो ऐसा घोर द्रोणास्पद अपराधी मेरे कोई नहीं, मैं अपराधी बनूंगा, मैं गुनहगार बनूंगा कि क्या मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे पाया, अगर मरने के बाद भी मैंने उन्हें क्या दिया, सिर्फ कर्ज दिया। तो ऐसे ऐसे विचार लेखक को अपने दिमाग में अपने मन में आने लगे। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता ही नहीं छोड़ रहा, नहीं मैं श्यामा के लिए चिंता ही नहीं छोड़ रहा, मैं जीऊंगा, जीने का संघर्ष करूंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीने का रास्ता मैं खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। और जो भी चिंताएं कर्ज की, फैमिली चलाने की, अपना निर्वाह करने की, सब चिंताएं जो मेरे मन में है वो सब चिंताएं मैं जीऊंगा और जीकर सब चिंताएं छोड़ दूंगा, समाप्त करूंगा। एक रात ऐसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। लेखक को लगा कि मेरे कानों में किसी ने आकर कहा कि एक रास्ता अब भी है। तो विद्यार्थी मित्रों, वो कौन सा रास्ता है, लेखक को अपनी पत्नी के माध्यम से कैसे ऊर्जा प्राप्त हो, अपनी पत्नी का दृढ़ मनोबल देखकर लेखक को जीने की तमन्ना हो, अपने खुद के लिए नहीं परंतु अपनी पत्नी श्यामा के लिए, उन्हें लगा कि मैंने अपना अपने आप को जो मरने के लिए छोड़ दिया है वो ठीक बात नहीं है, जो मेरी पत्नी एक अबला होकर जो सारी चिंताएं अपने सर पर लेकर मुझे चिंता मुक्त रहना कहती है, तो मैं तो एक पुरुष हूं, मेरी जवाबदेही है मेरी पत्नी को चिंता मुक्त रखने के लिए। अगर मैं ऐसी हालत में उन्हें सारी चिंताएं देकर अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, वो गलत होगा और मैं
जघन्य अपराधी होगा। तो लेखक के मन में अपनी पत्नी की सारी चिंताएं उनको नहीं देने का लिए वो जीने का संघर्ष करते हैं। कैसे संघर्ष करते हैं और उनके दिमाग में उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं, अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो आगे की पढ़ाई करेंगे। आज हमने जो पढ़ा वो लेखक को शरीर की जो बीमारी बनी हुई उस बीमारी में उन्हें कौन कौन सी चिंताएं खा रही है, कैसे कैसे महंगे इलाज करने पड़ते हैं, अपने माता पिता अपने भाई के ऊपर लेखक की बीमारी का क्या प्रभाव पड़ता है, अपनी पत्नी के ऊपर उसकी क्या असर होती है और अपने पत्नी लेखक को कैसे सांत्वना और उनकी हिम्मत बढ़ाती है, ये हमने पढ़ा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो लेखक कैसे जीने का संघर्ष करते हैं और स्वस्थ होकर वो सारी चिंताएं अपने आप पर ले लेते हैं, पर अपनी पत्नी को वो बचा नहीं पाते हैं क्योंकि पत्नी वत्ता नारी अपने पति की सेवा करते करते खुद लेखक की जो बीमारी थी उससे संक्रमित हो जाती है और मृत्यु पर्यंत वो स्वस्थ नहीं होती। उसका एक करुण निरूपण आगे पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ये समझा करेंगे जो भी पाठ हमने आज पढ़े हैं, जो प्रकरण जो पढ़ा है उन प्रकरण को पढ़िएगा और अपने आपने जो शब्द है समझा थे कुछ पाठ्य पुस्तक में समझा थे वो सब लिखिएगा होमवर्क के रूप में। अगली बार आप जब मिलेंगे तब तक के लिए अपने सर अशोक यादव को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।